दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। सीबीआई हेडक्वार्टर में ही हुआ पी चिदंबरम का मेडिकल टेस्ट, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ कल रात 10 बजे के आसपास की टीम ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वह आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपी है, जिसके बाद उन्हें हेडक्वार्टर लाया गया। जानकारी के मुताबिक यही पर चिदंबरम की मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी। देर रात 12:15 पर चिदंबरम की स्वास्थ्य जांच की। चिदंबरम को सीबीआई आज राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां 14 दिन की रिमांड पर रखने की बात सीबीआई कोर्ट के सामने रख सकती है। चिदंबरम की गिरफ्तारी पर उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें कई बार तलब किया है और वह हर बार हाजिर हुए हैं। हम अदालत में जाएंगे, यह गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने और कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए खड़ा किया गया तमाशा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिदंबरम के पास देश विदेश में भी कई बंगले, करोड़ों की एफडी, ज्वेलरी, गाड़ियां मौजूद हैं। उनकी सालाना कमाई 8.5 करोड़ रुपए है। एफिडेविट के अनुसार उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 99.66 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा बेटे कार्तिक चिदंबरम ने अपनी संपत्ति 80 करोड़ रुपए बताई है। कांग्रेस चिदंबरम के मामले पर लगातार मोदी सरकार पर आरोप की बौछार कर रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।